विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में उस समय अचानक से सभी लोग देखते रह गए जब एक व्यक्ति मुंह पर गमछा, चेहरे पर मास्क पहनकर मंदिर पहुंचा और भस्म आरती में शामिल हुआ। उन्हें देखकर हर कोई हैरान था और सोच रहा था आखिर ये है कौन। दरअसल विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में इन दिनों प्रशासक गणेश धाकड़ लगातार भस्म आरती की व्यवस्था को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। दो दिन पहले उन्होंने खुद आदेश भी जारी किए। इन आदेशों को अमल में लाने के बाद आज सुबह प्रशासक खुद भेष बदल कर औचक निरीक्षण करने मंदिर पहुंचे थे, तो पता चला कि भस्म आरती के लिए कुल 1705 की अनुमति दी गई थी, लेकिन 1400 लोग ही भस्म आरती में शामिल हुए। भस्म आरती की व्यवस्थाएं देखने के लिए रविवार की रात मंदिर प्रशासक गणेश धाकड़ भेष बदल कर पहुंचे थे। जब धाकड़ ने मंदिर के चारों गेट पर चेकिंग के दौरान कर्मचारियों पर नजर रखी तो इसकी सूचना भी तेजी से पहुंच गई। प्रवेश गेट पर श्रद्धालुओं की अनुमति चेक करने की प्रक्रिया शुरू हुई तो मंदिर में अंतिम प्रवेश होने तक केवल 1400 लोग ही पहुंचे थे, जबकि रविवार को सुबह होने वाली भस्म आरती के लिए 1705 लोगों की अनुमति जारी हुई थी। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रशासक धाकड़ के औचक निरीक्षण की जानकारी लगने के बाद दूसरे लोगों की अनुमति पर अन्य लोगों को प्रवेश नहीं होने से संख्या कम हो गई, जबकि शिकायत यह भी थी कि अनुमति किसी के नाम से बनती थी और एन वक्त पर प्रवेश किसी अन्य व्यक्ति को करा दिया जाता था। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक गणेश कुमार धाकड़ ने चर्चा के दौरान बताया कि भस्म आरती को लेकर यह कई तरह की शिकायतें मिल रही थी। इसे लेकर सबसे पहले हमने शासकीय विभाग और अन्य तरह के प्रोटोकॉल अटेंडर बनकर आने वाले लोगों पर आदेश निकालकर रोक लगाई। इसके माध्यम से 50 से 60 लोगों की उपस्थिति कम होने से दूसरे श्रद्धालुओं को सुविधापूर्वक दर्शन हो सके हैं। इसके बाद शिकायत मिली कि भस्म आरती के लिए अनुमति किसी और के नाम पर बनती थी और मौके पर दूसरे लोग प्रवेश करते थे। इसके बाद रविवार देर रात को अलग अलग प्रवेश गेट और चेकिंग व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान मंदिर प्रशासक द्वारा रविवार सुबह के लिए 1705 लोगों की अनुमति जारी हुई, जबकि चेकिंग सख्ती से हुई तो इनमें केवल 1400 श्रद्धालु ही पहुंचे थे। जाहिर सी बात है कि जिन श्रद्धालुओं को अन्य लोगों की अनुमति के आधार पर प्रवेश दिया जा रहा था, वे रविवार को निरीक्षण होने की सूचना के बाद पकड़ में आने के डर से पहुंचे ही नहीं। दो दिन पहले ही मंदिर समिति के प्रशासक गणेश कुमार धाकड़ ने एक आदेश निकाला था और बताया था कि सुबह भस्म आरती के दौरान विभिन्न शासकीय विभागों और अन्य तरह से प्रोटोकॉल अटेंडर के रूप में श्रद्धालुओं को लाकर नंदी हॉल और अन्य स्थानों पर बैठाने वाले अटेंडर लोगों का प्रवेश बंद कर दिया। इसके बाद भस्म आरती के लिए केवल मंदिर में अनुमति वाले श्रद्धालुओं को ही प्रवेश देने की व्यवस्था से अटेंडर के रूप में आने वाले करीब 60 लोगों की संख्या कम हो गई। बाद भी आज सिर्फ 1400 लोग आए। मेरे द्वारा महाकाल मंदिर में भस्म आरती में शिकायतें मिल रही थी तो औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें मैंने पाया कि 1700 परमिशन महाकाल मंदिर समिति की ओर से जारी की गई थी। जब हम लोगों ने औचक निरीक्षण किया तो 1400 लोग ही जो परमिशन 1700 लोग ही उपस्थित हुए। तकरीबन 300 लोग जिनकी परमिशन बनी थी वो उपस्थित ही नहीं हुए। ये बड़ा विषय है कि लोग नहीं आए, सिर्फ 1400 लोग ही आए। और इस तरीके से अब लोग हम लोग आगे भी लगातार कंटिन्यूस इस तरीके निरीक्षण करते रहेंगे ताकि जो शिकायतें आ रही भस्म आरती में ना प्राप्त हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।